हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन करी, वो भी एकदम देसी स्टाइल में, जिसके लिए मैंने प्याज एकदम छोटे छोटे काट लिए हैं और लहसुन भी मैंने एकदम छोटे छोटे काट लिए, और कुछ लहसुन मैंने ऐसे ही कलियाँ छोड़ा के रखी थी, और मैंने तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची और गर्म मसाला सब ले लिया है और चिकन अगर हाथ धो दिया है। अब एक कढ़ाई में मैं हल्का सा तेल डाल के तेज़पत्ता, जीरा, मिर्ची और लहसुन जो कुछ के रखी हुई थी वो सारा इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद जो आप प्याज काट के रखे हैं छोटे छोटे, जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो आप अपने प्याज इसे डाल दीजिए। तो मैंने भी इसे प्याज डाल दिया है, और इसे प्याज को मैं अच्छे से भूजूंगी। जब ये प्याज अच्छे से भूज जाए तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और जो भी मसाले हैं वो डाल देंगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा प्याज अभी अच्छा सा भुन रहा है, तब तक मैं चलती हूँ और अपनी लहसुन और मिर्ची के पेस्ट बना लेती हूँ। तो जो मैंने अलग से रखा था, तो मैं लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को इस प्याज में डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं टमाटर डालूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टमाटर डाला, इसे अच्छा से मिला लिया, और मिलाने के बाद टमाटर आप डालिए तो नमक ज़रूर डालिएगा, तो मैं नमक भी डाल दूँगी इसमें। जब ये अच्छे से मिल जाए तो जो चिकन मैंने फ्राई करके, सॉरी जो चिकन मैंने धोकर रखे थे उसे भी डाल दूँगी। अब चिकन अच्छा से मिला लीजिए और इसे ढककर अच्छे से रख दीजिए ताकि चिकन अपना पकते रहे। तो मैं फिर से चिकन को थोड़ा देर बाद तैर कर हमें धो गए हैं, उसे मैं देख रही हूँ। तो उसे मैं अच्छे से देखिए, आप चिकन में पानी छोड़ दिया है तो उसे आप फिर से अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो मेरा मिर्ची वाला पेस्ट था मैं उस मिर्ची वाले पेस्ट को डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन कितना ही अच्छा सा कलर आया है। चलिए मैं उसे पेस्ट को डाल देती हूँ, और मैंने पेस्ट को डाल दिया। पेस्ट को डाल के आप अच्छे से मिला लीजिए और इसे फिर से ढक कर रख दीजिए, या आप चाहे तो मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर ढक कर रखा था, उसके बाद इसे निकाला है और इसमें मसाला डाल दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला और हल्दी और मिर्ची पाउडर, ये सारा डाल दिए अच्छे से। अच्छे से डालने के बाद उसे मिला लेंगे, मिलाने के बाद उसे अच्छे से ढक कर रख देंगे और इसे थोड़ा सा मीडियम आँच कर देंगे कि ताकि चिकन एकदम अच्छे से भुज जाए और बहुत ही अच्छा कलर उसका आ जाए। तो देखिए इसका कलर अभी अच्छा आ रहा है, उसे ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद मैंने फिर से इसे ओपन किया, इसमें कैसा कलर नहीं आ रहा था तो मैंने हल्दी डाल दिया। तो हल्दी, नमक और जो भी आपको कम लगे वो सारा चीज़ आप डाल सकते हैं, और उसे डालकर अच्छे से उसे मिला लीजिए और इसे अच्छे से चिकन को पकने तक छोड़ दीजिए। तो देख सकते हैं आप, मिलाते मिलाते ये पक गया है और कितना ही अच्छा कलर अब आया है। अब सब्जी इसमें बहुत बढ़िया लग रहा है, आप चाहे तो इसे निकाल कर खा सकते हैं। अगर आपको पानी वाला बनाना है तो थोड़ा और इसे पका दीजिए, पानी के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। क्योंकि ये कितना अच्छा सा पक गया है, मुझे थोड़ा सा चिकन मसाला देखा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा चिकन मसाला इसमें डाल दी और डालकर मैं थोड़ा इसे और भी अच्छे से भूज लूँगी। अब देखिए थोड़ा पानी आपका छूट चुका है, इसका मतलब वो भुज चुका है। तो उसके बाद अगर आपको निकालना है तो खा लीजिए, मुझे मैं निकाल लेती हूँ ऑलरेडी, और मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए और मिल जाए। पानी डालकर आप इसे अच्छे से ढक कर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर जब आप निकालेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर से गर्म मसाला, धनिया पाउडर जो है आपके पास वो आप ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद आप गर्म गर्म से सर्व करें, मैं तो बोलूँ 4-10 मिनट रुक कर खाएँ कि ताकि उसका स्मेल बहुत अंदर तक जाए और आपको बहुत ही अच्छा लगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।